भैया महाभारत में भीम, पेड़ों में नीम और इंडिया की टीम, इन सबसे ज्यादा पावरफुल और यूजफुल कोई नहीं होता। नमस्कार, मैं हूँ रौनक। नमस्ते जी अंकिल, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। आप देख रहे हैं रणतंत्र, और वो वाला टाइम याद है आपको जब इंडिया की टीम में खिलाड़ी तो 11 होते थे लेकिन खेलते बस 8-9 थे भाई साहब। यानी दो या कम से कम एक ऐसा प्लेयर होता था जिसको देखकर हमें कपिल शर्मा के सुपर सिद्धू जी की याद आती थी, यानी किसी काम के नहीं है। उनका खेल देखकर आंखों में पोलियो हो जाता था। उस वक्त पर हम जब ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका की टीम देखते थे तो हमें लगता था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इनकी टीम में बेंच पे बैठा खिलाड़ी भी हमारी प्लेइंग 11 के खिलाड़ियों से बढ़िया है। लेकिन वक्त के साथ सबसे अच्छी चीज ये होती है कि वक्त बदलता जरूर है। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि दो अलग अलग टीमें अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग देशों के खिलाफ खेलेंगी। यह आपको पता ही है कि विराट कोहली की कप्तानी में एक टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और इंग्लैंड दौरा खेलने इंग्लैंड में ऑलरेडी है, और अब श्रीलंका दौरे के लिए दूसरी टीम का अनाउंसमेंट भी कर दिया गया है। तो किन किन खिलाड़ियों को इस टीम में जगह मिली है आइए आपको फटाफट बता देते हैं। टीम की कप्तानी की कमान, जैसा कि माना जा रहा था कि टीम के सबसे सीनियर खिलाड़ी गब्बर यानी शिखर धवन को मिली है। उनके उप कप्तान होंगे भुवनेश्वर कुमार। वहीं उनके इंस्टाग्राम रील में उनके पार्टनर पृथ्वी शॉ इस दौरे पर टीम इंडिया की जर्सी में वापसी कर रहे हैं। T20 लीग में शानदार प्रदर्शन करने वाले देवदत्त पडिक्कल, ऋतुराज गायकवाड़ और सूर्य कुमार यादव भी श्रीलंका की लंका लगाएंगे। वहीं मिडिल ऑर्डर में मनीष पांडे, नीतीश राणा और हार्दिक पांड्या जलवा दिखाएंगे। विकेट कीपर के तौर पर ईशान किशन और संजू सैमसन नजर आएंगे, क्योंकि ऋषभ भैया तो इंग्लैंड में है ना। और ये टीम श्रीलंका जाके बायो बबल में रहेगी और इसलिए उन्हें घूमने को नहीं मिलेगा, इसीलिए शायद बॉल घुमाने के लिए भर भर के स्पिनर्स जा रहे हैं। यूजी चहल, कृष्णप्पा गौतम, राहुल चहर, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, कृणाल पांड्या को बतौर स्पिनर टीम में 6 स्पिनर्स को जगह मिली है। वहीं नवदीप सैनी, दीपक चहर और ये नाम लेते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, चेतन साकरिया हमारी टीम का हिस्सा बने भाई साहब। नेट बॉलर्स के तौर पर ईशान पोरेल, संदीप वॉरियर, अर्शदीप सिंह, साई किशोर और सिमरनजीत सिंह श्रीलंका घूम के आएंगे। और आपको याद दिला दें कि टीम इंडिया जुलाई में 3 वनडे और 3 T20 खेलने के लिए, या यूं कहें कि श्रीलंका को पेलने के लिए वहां का दौरा करेगी। 3 वनडे जो है वो 13, 16 और 18 जुलाई को है, जबकि 3 T20 है वो 21, 23 और 25 जुलाई को है। वैसे तो ये इंडिया की बी टीम कही जा रही है, लेकिन डेप्थ इसमें इतनी है कि पैसिफिक ओशियन भी शर्मा जाए। आपको ये टीम कैसी लग रही है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी इस टीम का पोस्टमार्टम हम आने वाले दिनों में करेंगे। आप बस वही कर दीजिए जो आपको रोज रोज हम बताते हैं, यानी फेसबुक पेज को लाइक करना, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम पे भी राम राम बोलना और टेलीग्राम पे भी हमको जरूर मिलना। RJ रौनक ऑफिशियल नाम से टेलीग्राम पे भी मिलोगे, डायरेक्टली यही वीडियो आपको उस पे हम पहुंचा देंगे, है कि नहीं। बाकी कल एक और जबरदस्त वीडियो लेकर आएंगे, फिलहाल जाएंगे, आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।